हेलो भाई, मैं पवार। अभी मेरे सामने खड़ी हुई है स्कॉर्पियो क्लास में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई किस तरीके से ये बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसका इसकी कीमत अगर आप एस्ट्रोम बात करते हो तो भाई 12 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाओगे ना जिसका नाम है भाई S11, अब भाई दो ही आ रहे हैं केवल, तो वो भाई बहुत महंगा, मतलब 15 लाख 45 हज़ार रुपये एक्स्ट्रोम प्राइस कर दिया, 3 लाख 45 हज़ार रुपये का डिफरेंस है भाई, जो कि बहुत होता है। इतने कुछ खास डिफरेंसेस भी नहीं है, तो पता है प्रैक्टिकल क्या ऑप्शन निकल के आता है यार। ये गाड़ी पड़ जाती है आपको 14-14.25 के लगभग, और उसमें अपना आप उसको लेके आप तमाम उसमें आप मॉडिफिकेशन करवाओ, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब जैसे इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें आ ही जाती है, जैसे आपने की लाइट ये मिल गई, अगर आप ब्लैक कलर लोगे तो आपको ब्लैक बम्पर मिल रहा है, अलॉय व्हील वगैरह आप अपने चॉइस का डलवा सकते हो। इसमें अगर आप बात करते हो तो ये देखिए महिंद्रा का लोगो, और ये खूब मोटी अपनी 235/65/8/17 की आपको प्रोफाइल मिल रही है। तो मतलब 3 लाख 45 हज़ार रुपये आप बचा के ना आफ्टर मार्केट में आके बहुत अपना जिस मतलब 3-45 में आप पता समझ रहे हो कितनी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो अपनी गाड़ी में अपने हिसाब से। तो वो अभी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको, मतलब 3-45 में मैं बहुत बोल रहा हूँ, एक अंडर बजट ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इस गाड़ी में होने लग रही हैं। आप देख रहे हो ये पूरा खुल गया है, पीछे का पूरा खुला हुआ है, सीट्स वगैरह ये आपको महिंद्रा भी करके नहीं देगी, जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये गाड़ी आई है निक्कू का डेकोर। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में क्या चल रहा है भाई? स्कॉर्पियो में जैसे अपना पूरा काम है, इसमें इसका इंटीरियर है, ऊपर स्टार लाइट है, कंपनी नहीं दे रही इसमें कुछ भी, खोखला दे रही है एकदम से पूरा एस वेरिएंट में। तो ये कस्टमर पूरा स्कॉर्पियो में अपना स्पीकर हो गया, ये स्टार लाइट वगैरह सारा कुछ कर, सारा कुछ करवा रहे हैं, तो मतलब सीट कवर हो गया सारा कुछ, बिल्कुल सारा चीज है। तो इसके ओनर कहाँ पे? ओनर से मिलवाता हूँ मैं, आ जाओ भाई एक बार ना। तो ये भाई है इसको, भाई कितने पैसे एक्स्ट्रा दे के खरीदे सबसे पहले तो ये बताओ? 50,000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा दिए हैं कि आपको वेट ना करना पड़े। तो कितने की पड़ी आपको ये? ये पड़ गई भैया 14.5 लाख रुपए की। 14.5 वो मतलब 50,000 देने के बाद 17,000 के समथिंग 14-25 की पड़ेगी हमें देकर। मतलब इतने बड़े स्कॉर्पियो फैन हो आपकी, मतलब आपने दे दिए हैं जी। भाई ये होता है, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना स्कॉर्पियो N आ गई है, उसके बाद क्लासिक को कौन ही लेगा। हाँ लॉन्च हुई है भाई ने उसी दिन गाड़ी, मतलब डीलरशिप की पहली गाड़ी आई है, और पहली गाड़ी निक्कू कार भाई बना रहे हैं अपने, ये पूरा का पूरा आपको मतलब दिल्ली का पहली गाड़ी, करोल बाग की भी पहली गाड़ी है। क्या बात है भाई, तो आज देखते हैं भाई कैसा सेटिस्फाई करके भेजते, क्योंकि पहली गाड़ी है। और ये भाई ट्रस्ट दिखा रहे हैं निक्कू भाई पे कैसा काम करते हैं। अभी भाई देखो स्कॉर्पियो क्लासिक में ना आपको ये रेक्सीन की सीट मिलती है, तो इनकी क्या समस्या है, इनको भी आप चेंज कर रहे हो ना? जैसे इसमें जो सीटें है ना उतना कंफर्ट फील नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके लिए सीट कवर लगवा सकते हैं, जिनकी चॉइस लगवा सकते हैं, जिनको चॉइस नहीं हो नहीं लगवा। तो इसके जो कस्टमर वो लगवा रहे हैं, लगवा रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा कंफर्ट लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा कंफर्ट। वो सोफा टाइप जो होता है जो इस गाड़ी में काम हो रहा है वो लमसम लमसम 80-90 हज़ार रुपए का होगा। अगर फुल्ली टॉप बनानी है, हाँ। जैसे इसको अगर टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगानी है, फोग लैंप ग्रिल हो गया, जैसे वाइपर हो गया पीछे, ये सब मीटर चेंज करनी है, हाँ। ये सब। और एक और चीज बताओ, जैसे बहुत लोगों को ये भी डाउट है, हाँ। पुरानी वाली और नई में कुछ ऐसे डिफरेंस आया है क्या? क्योंकि वो मॉडिफिकेशन का ही वो बता सकता है, क्योंकि भाई क्या इसमें पार्ट्स नए आएंगे इस बार या फिर आपने है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ पार्ट है कि जो नए हैं जो इसी स्कॉर्पियो में लग सकते हैं। जैसे जैसे भाई इसका फोग लैंप हो गया, दिखाओ तो एक बारी। अच्छा, फोग लैंप हो गया इसका, प्लस ये बम्पर का भी हो सकता है क्या कोई जुगाड़ उगाड़? क्योंकि व्हाइट वालों के साथ दिक्कत होगी ये है ना, इसमें यहाँ पे DRL आता है, ये भी लग सकता है, ठीक है। इसका जो बम्पर है ना, जैसे ये है और मैट है या जिप्सा, अभी तो नहीं है तो ऐसे लग रहा है जब पुराना हो जाएगा तब जिप्सा लगता है। हाँ वही वही, गंदी भी बुरी लगेगी। तो ये सेम कलर टाइम चाहिए तो सेम कलर का ये हो जाएगा। इसकी लाइट सेम है पुरानी वाली की? लाइट सेम है, इसका हेडलाइट पुरानी वाली सही सेम एग्जैक्ट सेम। इसमें आप प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट लगवा सकते हो जो टॉप मॉडल में आ सकता है। जैसे आप ये मिरर हो गया, अब मिरर यहाँ पे जैसे आता था टॉप मॉडल में, ये मिरर ले सकते हैं, एडजस्ट का ऑप्शन आता है, ये क्रेटा जैसे फोल्ड नहीं होता स्कॉर्पियो में, वो करवा सकते हो, सकता है फोल्डेबल हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये हैंडल चेंज हो जाएगा। हाँ यार, टॉप ब्रांड में ये भी ना वो वाला मिलता है आपको बॉडी कलर आईडी, लेकिन इसमें आप देखते हो तो थोड़ा वैसा ही है यार, मैट मैट ठीक है ब्लैक। इसके अलावा जो स्टीयरिंग कंट्रोल लग सकता है। अच्छा, टॉप मॉडल में क्या था, यूज होता है सिल्वर कलर का होता है, पियानो ब्लैक होता है टॉप ब्रांड में, पियानो होता है सिल्वर आता है, जैसे पहले वाला इसका सिल्वर आता था, अब शायद इस वाले में पियानो आएगा, ये भी हो सकता है। और मीटर बताओ इसका, मेन जो पुराना सा मीटर है वो हो सकता है क्या? ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब वही ज्यादा चीजें ना पुरानी वाली हैं, बिल्कुल इसमें ज्यादा चीज पुरानी वाली है, लोगों में इन्होंने चेंज कर दिया, देखो ये वाला मिलता है। अच्छा भाई, आप मूड में हो कि बदलवाने की? ये वाला सिस्टम जो है सब कुछ चेंज होगा, ये करवा रहे हो? ये सब कुछ चेंज होगा, N अलग सीरीज हो गई। ये देखो भाई, सीट खुल के जा रही है और इसमें लग के आएगी, अब लेदर की सीट लगवा रहे हो, एक्स्ट्रा कंफर्ट है। अरे बहुत बढ़िया भाई, और अलॉय व्हील का क्या सोचा है, वो पसंद आए हैं क्या? भैया अलॉय व्हील पसंद आए, लेकिन ये 17 इंच है ना, तो ज्यादा बड़े नहीं करते। नहीं मैं बोल रहा हूँ टॉप मॉडल वाले पसंद आए, नहीं नहीं वो आप तो मार्केट ही लगाओगे। हाँ यार, मतलब टॉप मॉडल क्यों नहीं ले लिया भाई आपने 50,000 रुपए, मतलब सूखे सट एजेंसी को दे दिए भैया, हमें फिर उसमें ना मजा नहीं आता बाहर से काम कराने में,
हाँ वो तो है, और भी आते हैं, फिर उन्हें चेंज करने का मैं बेस लिया। बेस की इतनी डिमांड है कि आपको 50,000 ऐसे ही देने पड़ गए, डीलर खुद मुंह से मांग रहा है। अरे भाई यार रद्द हो गए आपने, आप मतलब ये इतने कट्टर फैन बॉय हो क्या, आपने दे दिए कैसे? दे दिए भैया, पसंद आई तो दे दिए। सही है भाई, बहुत अच्छे। ये तो भाई महिंद्रा का हाल है ऐसी गाड़ी पे भी, मतलब एन का तो भूल ही जाओ। एन का क्या बोल रहे थे? एन के लिए बोला था भाई चाहे 1,00,000 रुपए ले आओ, लेकिन 9 महीने से पहले मत आना एजेंसी में। अच्छा जी, 9 महीने तो उन्होंने बहुत कम बताए, और भी एक्स्ट्रा जा सकते हैं। मतलब एजेंसी ही मत आना 9 महीने से पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया, 1,00,000 रुपए। चलो ये तो महिंद्रा की बात होगी, लेकिन क्रेटा का क्या सीन चल रहा है? भैया क्रेटा के लिए हमने दे दिए थे, लेकिन फिर ये पसंद आ गया, उन्होंने भी हमसे 70,000 रुपए के लिए बोला कि एसेसरीज लो और 40,000 रुपए एक्स्ट्रा। देख लो भाई मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। अंकल जी आपको भी कुछ एक्स्ट्रा देने पड़े थे क्या क्रेटा में? नहीं, मुझे तो 5वें दिन वैसे मिल गई थी, और यहाँ पे भाई को भी एक दिन में मिल गई, लेकिन 50,000 देने के बाद जिसमें इनको कुछ एक्सेसरीज वगैरह कुछ मिली नहीं है। यार ग्रिल ना जो टॉप ब्रांड में आ रही है थोड़ी अच्छी लगती है देखने में यार, उसमें क्रोम क्रोम से डाल दे, थोड़ी एन जैसी फील आती है। पियानो होता है इसका, क्रोम होता है। हाँ तो वो भी अवेलेबल है, तो बताओ आप भाई तो रेडी है लगवाने के लिए। ठीक है, कम से कम इस पे 5 दिन लगेगा, अभी टाइम लगेगा 5 दिन। बात मत करो भाइयों, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जरा, 12:14 हो गए हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई देखो कितने लोग यहाँ पे, अगर मैं गिनती भी करवाऊँ ना आप पे गिने नहीं रहेंगे बार। अरे जलाओ ब्रो, लाइट तो जला दो यार, नाराज हो गए क्या आप दोस्त? लाइट जलाओ ना, देखने दिखाने लायक वाली जो चीज है इनसे क्या बोलते हैं, स्टार लाइट। वाओ, ये कलर भी बदल देती है भाई आपकी। और ये जो मैं बताता हूँ इसका कैसे इसका सिस्टम रहता है, ये देखो ये जो तार सी है ना ये इनको काट दिया जाता है, ये जो इतनी सारी निकली होती हैं, तो ये कुछ इस तरीके का जो लग रहा है ना ऐसे लगता है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। मतलब अगर आप ऐसे जला लेते हो इनको तो वाइट सा दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसमें काफ़ी काम हो गया, सीट कवर्स आप देखोगे ऐसे अल्ट्रा कम्फर्ट जिनसे बोलते हैं सोफ़ा टाइप, वो वाले इसमें लगे हैं, प्लस थोड़ी टैन कर दिया। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि इसका डैशबोर्ड क्यों खुला है, वो इसलिए खुला था भाई क्योंकि इसमें ना ये पूरा का पूरा लेदराइट किया गया है। निक्कू भाई थक गए क्या? निक्कू भाई तू पानी पंखा चला के पड़े हो, देख रहे हो भाई मेहनत देख लो भाई, यही होता है। कितने बजे तक काम करते हो यार? गाड़ी के हिसाब से होता है, जैसे गाड़ी पे फंसी हुई तो लेट तक होता भाई। आप लव को हेट करते हो क्या? आई हेट लव। तो भाई अभी भी काम चालू है इस पे, अभी कितना टाइम और लगेगा निकू भाई? इस गाड़ी में आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और? और देखो एक कस्टमर समझदार थे तो चाबी देकर चले गए कल सुबह से काम। हाँ मतलब क्रेटा वाले ना, ऐसे अगर आप टाइम दोगे तो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है ना ये, वरना कैसे। और भाई देखो जो ये स्टार लाइट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें काम चल रहा है, दिखाइयो एक बार ऊपर उठा के भाई, इसमें बहुत मेहनत का काम है, देख रहे हो आप ये पूरी छनती है भाई इसमें बहुत, मतलब 500 लाइट अगर लगानी है तो 5 घंटे चाहिए। ये देखना अब ये वेस्ट जाएगा निक्कू भाई, वेस्ट है ये। ये देखो पूरा कितना ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ऑप्टिकल फाइबर है भाई ये देखो, दिस इज ऑल वेस्ट जो इसमें लगते स्टार तो लाइट, लाइट बंद कर। तो कितने का खर्चा आता है मतलब स्कोर पे जैसी गाड़ी में अगर वो करवानी होती है तो? 16,000 रुपए की है ये। अरे इसमें तो लेबर ही बहुत ज्यादा लग जाएगी यार। हाँ इसमें क्या रहता है ना देखो, यहाँ से लाइट आती है और यहाँ तक देखो ये जल रही है। हाँ, ये पास हो रही है, इसके अंदर फाइबर होता है, जिग-जैग उसमें लाइट ट्रांसफर करते हैं। तो भाई बहुत देर लग गई, मतलब 1 बज गया है, फाइनली गाड़ी अब रेडी है भाई नहीं है ये बताओ? रेडी है फुल। हाँ। आप रेडी नहीं लग रहे हो, आपके 2 दिन बीत गया लगता है। क्या क्या कर दिया? फोक लाइट बदल दी। फोक लैंप बदल। कितने की है इसकी फोक लाइट? फोक लैंप इसके 1600 रुपए का है। मतलब लाइट है ना केवल या पूरी असेंबली है? नहीं नहीं लाइट अलग से, जिसमें इस जैसे व्हाइट है ना। हाँ। वो अलग से है, एलईडी का रेट अलग है, बस असेंबली के आपने बताया 1600 रुपए। अच्छा मेन चीज बताए भाई क्या है, फ्रंट से तो हम पहले ही देख चुके हैं, अभी जो इसमें बदल गए हैं ना ये भाई ने डलवाए हैं 20 इंच के अलॉय व्हील्स। कितने के पड़े हैं ये बताइए पहले, कितने के पड़े हैं? 50,000 रुपए दिए और अपने वाला अलॉय व्हील दिया हमने, रिम और टायर दोनों। अच्छा दोनों देके 50,000 विद टायर? टायर कौन से लिया है? मेन काम भाई ये देखिए आप इंटीरियर में, इसमें ये देखो आप इस तरीके के इसके एक्स्ट्रा कम्फर्ट सीट कवर इनसे बोलते हैं, इनकी कॉस्टिंग क्या आती है? एक्स्ट्रा कम्फर्ट छोटी गाड़ी 10,000 से स्टार्टिंग होता है। अच्छा और इसमें कितने के हैं स्कॉर्पियो में? स्कॉर्पियो में जिस क्वालिटी का सीट कवर लगा, जिस क्वालिटी का कपड़ा, इसमें कम से कम 17,000 रुपए का। ये 17,000 रुपए का है। कंफर्टेबल लगा भाई आपको इस पे बैठ के? बिल्कुल भाई। अभी यहाँ पे देखिए भाई क्रूज कंट्रोल इसमें चलता है या नहीं? ये चलता
बस ऐसे लुक के लिए है ना, क्योंकि ईसीयू से अपडेट नहीं है भाई इसके अंदर। लेकिन ये इसमें ढंग से वर्क करते हैं, ये पहले नहीं आते थे इसमें, ये लगा दिए भाई ने। इसके अलावा यहाँ पे हाइपरसोनिक की इसमें लगाई है भाई, ये टच स्क्रीन एंड्रॉइड और एम्बेड लाइटिंग, और जो मैंने आपको लाइट्स हैं ये तो दिखाई है। बाकी देखिए किस तरीके का आपको पूरा का पूरा मिलता है, और सेवन सीट्स पीछे तक कर दिया गया है। प्लस यहाँ पे ए पिलर बी पिलर सारे इस तरीके के इस कलर के यहाँ पे देखने के मिलते हैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर, और ये भी कर दिया गया है। अच्छा मेन बात बताओ, मोटा मोटा खर्चा क्या आता है, अब इसमें कितना खर्चा हुआ है सारा काम, किसे अपनी गाड़ी लेके आता है स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल, तो कितने में? 1,00,000 रुपए तक है जो काम हुआ है, 1,00,000 रुपए तक लेके आए तब जाके इसमें ये सब, जैसे हत्ती ये सब भी लगा सकते हैं, पीछे आर्मरेस्ट लगाना चाहते तो भी सभी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका भी जैसे अगर टॉप बनो, जैसे इसका फ्रंट ग्रिल अभी आने वाला है, इसका हेडलाइट प्रोजेक्टर वाला लगवा सकते हैं, वाइपर लगवा सकते हैं पीछे, सब कुछ लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सारा लग जाएगा जो भी आपका बजट लेके आ सकते हैं। प्लस स्पीकर भी इसमें इंक्लूडेड है, जो स्पीकर इसमें लगे हैं, इसमें स्पीकर भी है। चलो किसी को भी बनवानी हो अपनी गाड़ी तो कहाँ पे आ सकता है ये बात बताइए, करोल बाग निकुका डेकोर 16/27 अब्दुल्ला जी जी भाई आइए, स्कॉर्पियो का ढंग से काम करवाई तसली पूर्वक किया जाता है। मैं इनके कस्टमर से मिलना चाहूंगा भाई, अब बताइए सेटिस्फाइड हो इनके काम से? बिल्कुल भाई, मजा आ गया देख के काम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये थी भाई पूरी कम्प्लीट स्कॉर्पियो, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।